प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूर्ण होने पर भाजपा सरकार की तरफ से देश की जनता को जागरूक करने के लिए तमाम तरह के जागरूक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां और उनकी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली के शिव विहार वार्ड में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल पहुंचे और क्षेत्र की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के बारे में जागरूक किया, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने पहुंचकर मोदी सरकार की नीतियों की जानकारी भी ली। क्या कुछ कहना था अनुसूचित जाति मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र गोटवाल का, देखिए रिपोर्ट। नीचे तक मेरे सर्व समाज के व्यक्ति तक, मेरे अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति तक, मेरी महिलाओं तक, मेरी बहनों तक, मेरे युवाओं तक कैसे इस योजना का लाभ पहुंचे, वो योजना बनाने से पहले उसको क्रियान्वयन की सोचते हैं कि कैसे वो योजना बनाई जाए। वो कोई भी योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा था कि कैसे बहनों के धुएं के कारण कभी टीबी की बीमारी, कभी आंख की बीमारी, कभी कैंसर की बीमारी, कभी दमे की बीमारी से ग्रसित होती थी। अगर उसकी किसी ने चिंता करी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। शौचालय एक छोटी सी व्यवस्था लगती है आपको, लेकिन स्वच्छ भारत के नाम पे, स्वच्छ भारत के अभियान के तहत शौचालय बनाकर घर घर हमारी बहनों को इज्जत देने का काम किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम सब लोगों के लिए बहुत सोचने की बात है। अभी तक बहुत सी सरकारें आई कि बाबा साहब के नाम पे, कभी बाबा साहब की फोटो दिखा के, कभी बाबा साहब का नाम लेके, कभी अपने झंडे पे बाबा साहब का फोटो लगा के हम सब लोगों को वोट लेते हैं। कभी बाबा साहब को सम्मान देने की बात करी, बाबा साहब को सम्मान देने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की, जो दिल्ली में देश की राजधानी में हमारे केंद्र की सरकार चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार, बाबा साहब की जन्म स्थली हो, बाबा साहब की मृत्यु स्थली हो, बाबा साहब का चैत्य भूमि हो, बाबा साहब की शिक्षा भूमि हो, बाबा साहब की दीक्षा भूमि हो, पांचों स्थानों पर बाबा साहब का एक भव्य स्मारक बनाकर उस जनता को समर्पित किया, हमारे समाज को समर्पित किया और बाबा साहब के सम्मान में उसको पंच तीर्थ का नाम दिया। तो ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, युवा साथी बैठे हैं, गूगल का समय है, इंटरनेट का जमाना है, आप सब जो भी मैं योजनाएं कह रहा हूं आप उसको सबको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको पता लगेगा कि कैसे पहले की सरकारें हम लोगों को बरगला के हमारे समाज के वोट ले लेती थी, लेकिन आज हमारे समाज के हित की कोई बात कर रहा है, हमारे समाज के हित की कोई सोच रहा है, हिंदू धर्म की कोई रक्षा कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तो लगातार कोई भी योजना, चाहे बच्चों के भविष्य के लिए सुकन्या योजना, चाहे महिलाओं के और गरीब परिवार के लिए जनधन की योजना, चाहे उज्ज्वला योजना को, चाहे शौचालय की योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना, चाहे घर घर जल पहुंचाने की योजना, अगर वो सब योजनाओं में सबसे ज्यादा लाभ लेता है तो अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति लेता है। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के हमारे जो 9 साल पूरे हुए और एक सफल 9 साल का कार्यकाल जो उनका रहा, उसके लेकर हम सभी बस्तियों में जा रहे हैं, सभी समाज के बीच में जा रहे हैं, अपने अनुसूचित जाति के युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं और लगातार समाज के लोगों को मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताना, जो योजनाएं उनकी चल रही है उनके बारे में बताना, जिन योजनाओं में वो लाभ नहीं ले पाए उन योजनाओं के बारे में बताना, और लगातार दिल्ली भर में प्रदेश की ओर से हमारे ऐसा अभियान चल रहा है और ये ऐसा अभियान दिल्ली में नहीं पूरे देश में चल रहा है और लगातार हम युवाओं की और महिलाओं की और जो हमारे मोदी जी की योजनाएं उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं, आप मीडिया कर्मी मेरे सभी भाइयों से, क्योंकि आप सब लोग रोज उनको रूबरू होते हैं और उसके झूठ का कोई लिमिट नहीं है, वो इतना झूठा इंसान है, इतना मक्कार इंसान है, लगातार कभी भी मोदी जी की आयुष्मान योजना को लागू करने की बात करें तो नहीं करता, मोदी जी की जन औषधि योजना को बात करने की बात करें तो नहीं करता, मोदी जी की जहाँ झुग्गी वहां मकान की योजना की बात करें तो नहीं करता। ये कहीं ना कहीं दिल्ली में जहाँ प्रधानमंत्री योजना का नाम आ जाता है, प्रधानमंत्री जी का नाम बीच में आ जाता है, तो उसे ये सोचना चाहिए
कि ये योजना किसी ना किसी मेरे दिल्ली के वासी को उसके काम आएगी और मेरे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन इन सब से, क्योंकि और भी प्रांत हैं और प्रांतों में कांग्रेस की भी सरकार है और क्षेत्रीय दलों की भी सरकार है, बहुत सारी सरकारें लगातार मोदी जी की सभी योजनाओं का लाभ उनके नीचे तक के कार्यकर्ताओं को पहुंच रहा है, लेकिन दिल्ली की सरकार हम सब लोगों के लिए एक बड़ा पीड़ा का विषय है और हम सब लोगों के बड़े दुख की भी बात है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के हितों की, दिल्ली की जनता की चिंता ना करते हुए लगातार हम सब लोगों से झूठ बोल के वोट भी लेता है और जो केंद्र सरकार की योजनाओं में हमें लाभ मिलता है वो योजनाओं का लाभ भी नहीं लेते। जैसा कि दिल्ली प्रदेश में और पूरे देश भर में आप सब जानते हैं कि मोदी जी ने कितना सफलतम जो है अपना कार्यकाल पूरा किया है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर के इस उपलब्धि को बता रहे हैं। जिस प्रकार से देश का गौरव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में बढ़ाया है उसको बता रहे हैं और युवाओं के लिए अनेक रोजगार के जो सृजन किए गए हैं उनके विषय में भी बताया जा रहा है। महिला हो, युवा हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग सबका साथ सबका विकास का जो कार्यक्रम को लेकर के मोदी जी चले उसके बारे में हम लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं। धन्यवाद। वैद बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 921332928312, 9911481832। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।